बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी बाइट विद शाजिया खान की तरफ से शाजिया खान हाजिर हैं। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, लाई हूँ बहुत झटपट सी रेसिपी। ये है फ्राई आलू मसाला। तो ये फ्राई आलू मसाला मैं जिस तरह बना रही हूँ बिल्कुल सारन की तरह बनेगा और बहुत मज़े का और ज़बरदस्त बनता है। रोटियों के साथ, बॉयल चावल के साथ आप बहुत मज़े से खा सकते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 3 पाव आलू हैं, इनको बारीक इस तरह मैंने चॉप कर लिया है। आप जिस तरह चाहे कर सकते हैं, गोल कतलियों में या इस तरह। और मसाले कुछ यूँ हैं, प्याज 2 अदद मैंने बारीक चॉप कर ली है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, 3 अदद टमाटर हैं और 2 अदद हरी मिर्चें काट ली हैं मैंने। और अब ये वाले मसाले कुछ यूँ हैं, 1 चम्मच कुटी मिर्चें हैं, 1/2 चम्मची हल्दी है, 3-4 अदद की गोल साबुत मिर्चें हैं, नमक हसबे जायका और 1/2 चम्मची पिसी मिर्चें। और हमने पतीली में ऑयल गरम कर लिया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, मैंने पतीली में ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कड़ी पत्ते की थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसकी खुशबू आ जाए, फिर अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। देखिए कड़ी पत्ता प्याज लाल हो रही है, मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा। ये देखिए, ये जीरा डाल दिया है मैंने। और अब हम इसमें गोल साबुत मिर्चें जो आपको दिखाई थी वो मैं काट के डाल दूंगी इस तरीके से। और फिर हम इनको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को। जितनी हमने प्याज रखनी है इसकी, इतना ही हमने फ्राई करना, ज़्यादा लाल नहीं करनी है, लाइट लाइट सा रखना है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। ये देखिए, आलू कटिंग करके रखे थे, ये आलू मैं इसके अंदर सारे कर। देखिए राइस, आलू डालकर मैंने इसको 1 मिनट तक फ्राई किया है सब मसालों के साथ। ठीक है, अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसमें ये सारे मसाले हम ऐड कर देंगे। टमाटर जो आपको दिखाई दे, टमाटर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये सूखे मसाले भी सारे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और सब अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगी सब मसालों को। तो देखिए गाइस, ये मैंने सब मसाले सब इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब मैं इसमें 1 कप पानी, ये वाला मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी ताकि आलू भी गल जाए और टमाटर भी अच्छे तरीके से। ये देखिए, अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया इनको। और ये बहुत मज़े के आलू का सालन बनेगा, इतना मज़ेदार फ्राई आलू सालन। मेरे बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोग को भी बहुत मज़े के लगेंगे। अब हम इसको ढक देंगे, हम इसको दम पे पकाएंगे। गाय ने देखिए, हमने इसको ढक दिया है, अब हम इसको दम पे ढक के पकाएंगे आलू को और फिर आप लोग के साथ शेयर। तो गाइस, ये आलू हमारे तैयार हो चुके हैं, आलू का फ्राई सालन तैयार हो चुका है। और ये इसकी फाइनल लुक थी, पर लाइट जा चुकी थी, अंधेरा था तो मैं आप लोग को सही दिखा नहीं पाई, पर ये वाकई बहुत मज़े का और ज़बरदस्त बना था आलू का सालन। और ये देखिए, मैंने हरा धनिया हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिए। और ये देखिए, मेरे आलूओं का सालन की रेसिपी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करूँगी आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे शाजिया खान को अपने दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिए। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।